अब स्टार्ट कर रहे हैं जीओसी। ठीक है, जीओसी में हम पढ़ेंगे इफेक्ट के बारे में, कौन कौन से इफेक्ट हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, विड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ इफेक्ट्स हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें पहला इफेक्ट शुरू करेंगे इंडक्ट इफेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जीओसी। चलिए, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब जीओसी, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे जीओसी। इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं। एक इंडक्टिव इफेक्ट है, आई से इंडिकेट करेंगे। एक मीजोमेरिक इफेक्ट है, एम से रिप्रेजेंट करेंगे, या रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, एस से इंडिकेट करेंगे। एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ई से इंडिकेट करेंगे। और एक एस आई आर इफेक्ट है, और एक एस आई पी इफेक्ट है, और एक ऑर्थो इफेक्ट है। ठीक है, इन सब इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंडक्ट इफेक्ट या बोलेंगे आई इफेक्ट। इंडक्ट इफेक्ट क्या होता है, ये पहली बात तो कहाँ ऑपरेट होता है, तो सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, ये ऑपरेट होता है। तो सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होगा, और कब ऑपरेट होगा, जब इसमें क्या है, पोलर बॉन्ड प्रेजेंट हो जाए, कोई भी सिग्मा बॉन्डेड कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाए, इसमें प्रेजेंट हो जाए, तो ये क्या होगा, इंडक्ट इफेक्ट ऑपरेट होता है। जैसे हमारे पास क्या है, ये कोई ये कार्बन चेन है जो सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन में ही चलेगा, और इस कार्बन पे कोई इस कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना है, तो ये जो ये क्या हो गया, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक, अब इस पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या है, एक्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है किससे, कार्बन से, तो हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया किससे, कार्बन से, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करेगा, डिस्प्लेस करेगा, ट्रांसफर नहीं, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, हल्के से शिफ्ट हो जाएंगे, कि जो क्या होगा, जब भी दो एटमों के बीच में बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड, तो वही इक्वल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनेगा, और वो जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल मिडिल में रहेगा, मगर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो उस शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा शिफ्ट करा लेता है अपनी तरफ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और इस पर स्लाइटली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये जो पोलैरिटी जनरेट हुई है इस पोलर कोवलेंट बॉन्ड में, वो पोलैरिटी कंटिन्यू आगे सिंगल जो कार्बन कार्बन चेन सिंगल बॉन्ड है उसमें भी क्या हो जाए, फर्दर ऑपरेट हो जाए, तो उसे बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए, इस हैलोजन ने क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, इसने सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, अपनी तरफ शिफ्ट कर लिए हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस हो गए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन स्लाइटली क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए, तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। कंप्लीट माइनस प्लस चार्ज क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो रहा है, हल्की सी पोलैरिटी जनरेट हो रही है, तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव। जैसे ही कार्बन पे प्लस आया, तो प्लस का मतलब है इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई, तो ये कह सकते हैं इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अब इस सिंगल बॉन्डेड कार्बन से क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो ये अब क्या करेगा, थोड़े से इलेक्ट्रॉन और छीन लेगा, तो इस पे जो प्लस चार्ज था, ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन इसके इधर शिफ्ट करेगा, तो इस पे स्लाइटली और नेगेटिव चार्ज, तो इस पे क्या आ जाएगा, यहां प्लस चार्ज, ये प्लस क्या होगा, फिर इससे छीन लेगा, तो इस पे थोड़ा सा प्लस यहां ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़े से इधर शिफ्ट हो गए होंगे, तो यहां माइनस आएगा, यहां थोड़ा सा प्लस, अब ये प्लस, फिर ऐसे इस टाइप से प्लस चार्ज क्या होगा, जितना ये माइनस चार्ज यहां आया था उतना ही ये टोटल क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। मतलब जैसे यहाँ पे सेपरेट होके मान लीजिए -20 और +20 एक नंबर दे दिया हाइपोथेटिकली, मान लीजिए इधर माइनस का 20 तो इधर कितना आएगा +20। अब इसने इलेक्ट्रॉनों को इधर क्या करा, शिफ्ट करा, तो इधर +20 का क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से इधर कितना आया -10, तो इधर पहुंच जाएगा +10। कहने का मतलब है कि इसका +20 से +10 यहाँ चला गया और -10 यहाँ रह गया, क्योंकि जब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे तो -10 -20 +20, अब यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो -10 और +10, -10 और +20 कितना हो गया, +10 हो गया, और +10 वो यहां जा चुका। ऐसी क्या होगा, मान लीजिए अब इलेक्ट्रॉन थोड़े से इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट कर लेगा, तो इसका क्या होगा, +10 में से मान लीजिए +6 यहां चला गया, तो यहां कितना रह गया, +4। ठीक, इस +6 में से क्या हो गया, +6 में से मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा कह सकते हैं, मान लीजिए यहां था -20 तो +20, +20 का +10 यहां आ गया, तो यहां बचा +10। इस +10 में से मान लीजिए +4 यहां चला गया, ठीक, तो यहां रह गया +6, +4 यहां आ गया, +4 में से मान लीजिए क्या हो गया, +1 यहां चला गया, तो यहां रह गया होगा +3। तो अगर इस पे -20 आया तो इस पे +10, इस पे क्या हो गया, इस पे हो गया +6, इस पे हो गया +3, इस पे हो गया +1, यानी कि टोटल प्लस, अगर ये -20 है तो ये भी टोटल क्या होगा, +20।
मगर ध्यान दीजिए, ये जो कार्बन, ये जो पोलैरिटी जेनरेट हुई इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में, जो पोलैरिटी जेनरेट हुई है सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के शिफ्ट होने से, वो पोलैरिटी फर्दर कार्बन चेन में कंटिन्यू हो गई, तो उसे क्या बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और ध्यान दीजिए, ये जो पोलैरिटी है ये फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन तक ऑलमोस्ट खत्म हो लेती है, या कह सकते हैं फोर्थ पे तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ में क्या होता जाता है, डिक्रीज, क्योंकि इस पे प्लस का 10 आ रहा है तो इस पे प्लस का 6 आ रहा है, इस पे प्लस का 3 आ रहा है, इस पे प्लस का 1, तो ऑलमोस्ट फोर्थ पोजिशन तक, या कह सकते हैं थर्ड पोजीशन तक ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की दो बातें, एक तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से जनरेट होता है, पहली बात। दूसरी बात, कहां क्रिएट होता है, कोवेलेंट सिंगल बॉन्डेड में, और कोवेलेंट सिंगल बॉन्डेड भी कैसा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में क्या होता है, ऑपरेट होता है, और डिस्टेंस पे क्या करता है, डिपेंड। जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होती जाएगी वैसे वैसे इसका इफेक्ट क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और ऑलमोस्ट थर्ड या फोर्थ पोजिशन तक क्या हो जाता है, रिड्यूस होकर जीरो हो जाता है। क्लियर हो गई बात। चलिए तो देखिए, अब अगर हम बात करें यहां पे, तो प्रोफाइल क्या बना कंप्लीट, तो इस पे अगर माइनस वन था, इस पे डेल्टा माइनस का चार्ज आया, तो जितना इस पे माइनस का आया होगा उतना इधर प्लस का आया होगा, मगर वो प्लस इन पे क्या हो जाएगा, फर्दर कार्बन चेन पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका डेल्टा वन प्लस इस पे आ गया, डेल्टा टू प्लस इस पे आ गया, डेल्टा थ्री प्लस इस पे आ गया, और डेल्टा प्लस फोर इस पे आ गया। ये हमें पता है कि जितना इधर माइनस का डेल्टा है उतना ही इन सब चारों का सम क्या होगा, प्लस डेल्टा उतना ही होगा जितना ये माइनस का डेल्टा है, पहली बात। दूसरी बात, डेल्टा वन से छोटा होगा डेल्टा टू, डेल्टा टू से छोटा होगा डेल्टा थ्री, और डेल्टा थ्री से छोटा होगा डेल्टा, और डेल्टा फोर ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। क्लियर। अब रिजल्ट क्या है, अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री प्लस डेल्टा फोर, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री प्लस डेल्टा फोर, ये प्लस के होंगे, और माइनस क्या है, ये डेल्टा माइनस का होगा, माइनस डेल्टा, इनका सम क्या होना है, जीरो। मतलब जितना ये माइनस का होगा उतना ये टोटल प्लस का होगा। दूसरी बात, ऑर्डर ऑफ चार्ज विल बी, अगर हम चार्ज के ऑर्डर की बात करें तो डेल्टा वन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है डेल्टा टू से, डेल्टा टू से छोटा होगा डेल्टा थ्री, और डेल्टा थ्री से भी छोटा होगा डेल्टा फोर। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होती जाएगी पोलर बॉन्ड से, वैसे वैसे चार्ज की पोलैरिटी कम होती जाएगी, इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट कम होता जाएगा। दूसरा, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर, जो अगर बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर की, तो मैंने आपको बताया था ये सेम कार्बन कार्बन एटम है, और ये सब सिंगल बॉन्डेड कार्बन भी है, सेम सेम कार्बन सेम सेम एटम है, और अगर सेम सेम एटम है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो सकती है, कब, अगर उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब एस करेक्टर क्या हो, डिफरेंट। तो यहां तो एटम भी सेम है कार्बन कार्बन, और सब सिंगल बॉन्डेड है, ये भी सिंगल बॉन्डेड, ये भी सिंगल बॉन्डेड, ये भी सिंगल बॉन्डेड, ये भी सिंगल बॉन्डेड, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है, तो एस करेक्टर भी क्या हो गया, सेम। तो फिर भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम होनी चाहिए, मगर फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, डिफरेंट है, किसकी वजह से, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से। जिसपे जितना ज्यादा प्लस चार्ज आता जाएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा अधिक होती जाती है। जैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन है, फ्लोरीन। अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे ज्यादा है, सी से ज्यादा है। अगर मैं सी प्लस कर दूं तो सी प्लस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई एफ से भी। अगर एक बार प्लस चार्ज आ गया तो समझ लीजिए इलेक्ट प्लस का मतलब क्या है, अब तो इसमें क्या हो गया, डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की, अब तो उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए। अगर आप राजी से दोगे तो ठीक, नहीं तो चुरा के ले जाएगा, उठा के ले जाएगा, डंडा मार के ले जाएगा आपसे। समझ में आ रही बात नहीं, क्योंकि प्लस आ गया उसके घर में तो आग लग गई अब, ठीक, समझ में आ रही बात नहीं। और अगर मान लीजिए आदमी को अपने आप को खुद को बचाना हो तो फिर तो वो कुछ भी कर सकता है। तो जैसे प्लस आएगा तो प्लस आती इलेक्ट्रॉनिक दम से क्या हो जाती है, हाई हो जाएगी। तो अगर किसी भी आइटम पे प्लस आ गया तो ध्यान दीजिए जिस पे, तो इन कार्बन की इलेक्ट्रोडी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हो गई, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव आ रहा है। जितना ज्यादा प्लस चार्ज आ जाएगा उतनी इलेक्ट्रोडी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो सी वन की इलेक्ट्रोडी ज्यादा होगी सी टू से, सी टू की ज्यादा होगी सी थ्री से, सी थ्री की ज्यादा थी सी फोर से। जैसे यहां पोलैरिटी जनरेट हुई थी इधर माइनस इधर प्लस, तो जैसे इस पे प्लस आया था तुरंत इसने क्या कर दिया था, इलेक्ट्रॉन इधर से छीन लिया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोडी क्या होगी थी, हाई, और इधर छीन के कुछ प्लस चार्ज आएगा, और जैसे इस पे प्लस आएगा तो ये से छीन लेगा। मगर वो अलग बात है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही वैसे वैसे इस का इफेक्ट यहां कम होता जा रहा है। क्लियर हो गई बात। चलिए कुछ बातें इसके बारे में सीख लेते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कुछ। इन इंडक्टिव इफेक्ट देयर इज पार्शियल मूवमेंट ऑफ ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। ये कह रहा है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट में केवल और केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं, वो भी कैसा, पार्शियल मूवमेंट होता है, स्लाइटली हल्का सा डिस्प्लेस होंगे, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है इन इंडक्टिव इफेक्ट देयर इज
पार्शियल मूवमेंट ऑफ ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। तो इंडक्टिव इफेक्ट में केवल पार्शियल मूवमेंट होता है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, और वो भी केवल किसके, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का होता है। ठीक, अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, बीक इफेक्ट है। बीक इफेक्ट क्यों है, क्योंकि क्या है, ध्यान दीजिए, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो इसके थ्रू ऑपरेट कोई भी अगर इफेक्ट इसके थ्रू इफेक्ट ऑपरेट होगा तो वीक पड़ जाएगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसके इलेक्ट्रॉनों को हिलाना ट्रांसफर करना मुश्किल बात है। ठीक है, तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग, अगर खाली एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट भी आएगा तो जल्दी से सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होने वाला है, तो जल्दी से उसके इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा डिस्प्लेस नहीं होने वाले। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक वीक इफेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू जाके ऑपरेट हुआ है, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जाके भिड़ा है, इसलिए क्या रह गया, वीक रह गया। आगे बात समझ में, चलिए। दिस इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड अलोंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड, या कह सकते हैं कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्डेड ओनली। ये जो इफेक्ट है ये केवल और केवल ट्रांसमिट होता है किसमें, कार्बन 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 सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड चेन में। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होता है, इसी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, हर एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू नहीं, कार्बन कार्बन एटम के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड है, उसी के थ्रू ये क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, मतलब ऑपरेट होगा। कहीं भी कोई पोलर बॉन्ड होगा, कोई भी पोलर बॉन्ड से एक पोलैरिटी जनरेट होगी, उस पोलैरिटी का जो इफेक्ट है वो फर्दर कार्बन चेन में भी कंटिन्यू हो जाए, उसे बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और कौन सी कार्बन चेन में, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट चेन जो होगी उसमें वो पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाए, जनरेट हो जाए, फर्दर कंटिन्यू हो जाए या ट्रांसमिट हो जाए, तो उसी क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए, तो इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड में चलेगा, और सिग्मा बॉन्ड में कौन से सिग्मा बॉन्ड में, कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्डेड सिग्मा बॉन्ड में। ठीक है, इस कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्डेड चेन होगी उसी में क्या करेगा, ये ऑपरेट करेगा, ये ट्रांसमिट होगा। दिस इफेक्ट इज परमानेंट इन नेचर, ये इफेक्ट क्या होगा, परमानेंट होगा, टेम्परेरी नहीं, ऐसा नहीं कि जब चाहो जब हटा लो, जब चाहो जब लगा दो। ये जहां भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो गया, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो गया, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड चेन में क्या हो जाएगा, ये पोलैरिटी जेनरेट हो जाएगी, यानी कि ट्रांसमिट हो जाएगी, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट क्या हो जाएगा, उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है और वीक इफेक्ट है। ठीक है, दिस मैग्नीट्यूड ऑफ आई, ये कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट डिक्रीज विद इंक्रीज इन द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स विच इज एप्लीकेबल आई इफेक्ट। तो जो आई इफेक्ट है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली होगा, जैसे जैसे दूर होते जाएंगे किससे, सोर्स से, सोर्स कौन है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या पड़ता जाएगा, वीक पड़ता जाएगा। मतलब फर्स्ट कार्बन फर्स्ट पोजिशन पे इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, सेकेंड पोजिशन पे और कम, और थर्ड पोजिशन पे और भी कम, यानी कि थर्ड पोजिशन तक ऑलमोस्ट खत्म हो लेता, फोर्थ पोजिशन तक तो ना के बराबर, और फिफ्थ पे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट डिक्रीज विद इंक्रीज इन द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स। तो सोर्स से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, विच इज एप्लीकेबल ऑफ आई इफेक्ट। चलिए, तो आई इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस के। नेक्स्ट, आई इफेक्ट विल बी कंसिडर्ड जीरो फॉर द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो जीरो कंसिडर्ड करते हैं। ठीक है, एक पैरामीटर ले लिया, कि पैरामीटर क्या है, कि जीरो से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉइंग होगा, और एस से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो डोनेटिंग होगा। मगर एच को क्या कर लिया, एक लिमिट मान ली, यानी कि एच का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो जीरो होगा, ना प्लस ना माइनस। प्लस माइनस आई कहां से आ गया वो अभी देखेंगे। चलिए, दूसरा, आई इफेक्ट इज आल्सो नोन एज ट्रांसमिशन इफेक्ट, और ये बोल सकते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पोलैरिटी है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट चेन में क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। और पोलराइजेशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि किसकी वजह से जनरेट होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से क्या होता है, जनरेट होता है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी, क्या है सबसे जरूरी बात, क्या है इंडक्टिव इफेक्ट में ध्यान रखना है, कि इंडक्टिव इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, एक तो बीक इफेक्ट तो है ही, मगर बीक में भी है तो उसकी पावर तो होगी, कंपेयर तो करेंगे। तो अगर क्या होगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट की अगर आपको पावर कंपेयर करनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारी सी बात है, इसको ध्यान रखिए। सबसे पहले आई इफेक्ट की जो पावर है वो सबसे पहले डिपेंड करेगी डिस्टेंस पे। ठीक है, किसी की डिस्टेंस फर्स्ट हो और किसी की डिस्टेंस सेकंड पोजीशन हो, एक एक मान लीजिए ग्रुप लग रहा है सेकंड पोजीशन पे, एक लग रहा है फर्स्ट पे, तो फर्स्ट वाले का इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा ज्यादा होगा, चाहे वो कैसा भी ग्रुप हो। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, डिस्टेंस, तो सबसे पहले नंबर चेक करेंगे डिस्टेंस, दूसरे नंबर पे होगा नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ एटम्स।
कि जितने ज्यादा ग्रुप होंगे उतना ज्यादा क्या होगा इफेक्ट होगा, जितने ज्यादा ग्रुप उतना ज्यादा क्या होगा इफेक्ट। अगर मान लीजिए इधर क्या है, इसके फर्स्ट कार्बन पे भी है ग्रुप, इसके भी फर्स्ट पे है, उसके फर्स्ट पे दो है, इसके फर्स्ट पे एक है, तो दो वालों का इफेक्ट हमेशा ज्यादा होगा फर्स्ट वन ग्रुप से। तो नंबर ऑफ ग्रुप पावर हमेशा ज्यादा होगी वन ग्रुप से। अगर मान लीजिए किसी के पास एक ग्रुप है, किसी के पास दो, तो दो वाले का इफेक्ट हमेशा ज्यादा होगा, चाहे वो बी ग्रुप हो, दो ग्रुप वीक है और एक ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, तो फिर भी दो वीक वालों का ज्यादा होगा। यानी कि दो कमजोर आदमी एक स्ट्रांग आदमी को भी क्या कर लेते हैं, पीट लेते हैं। तो यही बात रहेगा कि अगर संख्या संख्या पर डिपेंड करेगा, दो लोग अगर हैं, अगर मान लीजिए संख्या जितनी संख्या ज्यादा होगी उतना इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, चाहे वो वीक चाहे वो कमजोर आदमी क्यों ना हो, कमजोर ग्रुप ही क्यों ना हो। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे देखेंगे ग्रुप की पावर, मतलब नंबर ऑफ ग्रुप भी अगर सेम हो तब देखते हैं कि थर्ड आदमी कौन सा है, यानी कि थर्ड ग्रुप कौन सा है, तो ज्यादा पावर का ग्रुप कौन सा है। तो नंबर ऑफ पावर यानी कि ग्रुप की पावर वो कब देखी जाएगी, जब नंबर ऑफ ग्रुप सेम है। अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर का ग्रुप है और दो छोटे छोटे पावर के ग्रुप है, तो दो वालों का इफेक्ट हमेशा एक पावर वाले से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तीन बातें देखनी है। आई की पावर के लिए सबसे ज्यादा देखेंगे पहले नियर डिस्टेंस, अगर नियर डिस्टेंस सेम है तो सेकंड नंबर पे चेक करेंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स, और नंबर ऑफ ग्रुप्स भी सेम है तब लास्ट में देखते हैं थर्ड नंबर पे जाके ग्रुप स्ट्रेंथ, यानी कि पर ग्रुप जो है वो कौन सा स्ट्रॉन्ग है। चलिए देखिए, तो आई इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट फर्दर तीन टाइप का होगा, एक तो माइनस आई इफेक्ट और एक जीरो इफेक्ट और एक क्या होगा प्लस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट, जीरो आई इफेक्ट और क्या होगा प्लस आई इफेक्ट। क्लियर, जो हाइड्रोजन एटम है जो जीरो आई है, यानी कि जीरो इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं ऑपरेट होगा, किसके थ्रू, एच एटम के थ्रू। तो सिर्फ केवल और केवल एच एटम ऐसा है जिसके लिए इंडक्टिव इफेक्ट ना तो प्लस का होगा ना माइनस का होगा, एकदम मिडिल में रहेगा। तो एच एटम के लिए, एच एटम के लिए क्या होगा आई इफेक्ट क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, तो फोर एच ओनली। अब बात करें तो दो टाइप के हो गए, एक माइनस आई इफेक्ट और एक प्लस आई इफेक्ट। अब ये माइनस आई प्लस आई क्या है तो समझिए, ये हमारे पास कोई कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन में ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड लगा है, तो ये जो बॉन्ड है एक्चुअल में कहेंगे तो ये बॉन्ड तो पोलर है, ये पोलर बॉन्ड है, मगर इस कार्बन और हाइड्रोजन पोलर बॉन्ड की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि एच का जो इफेक्ट है वो क्या होता है आई इफेक्ट क्या होता है, जीरो। तो बस यही बात ध्यान रखना, एच ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट इसका एच इफेक्ट का क्या मानते हैं, एच एच एटम का इंडक्टिव इफेक्ट क्या मानते हैं, जीरो। तो इट नाइदर डोनेट नॉर पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन चेन, तो एच ना तो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देगा ना कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। इसलिए क्या, इसे क्या बोलते हैं, अगर इंडक्टिव इफेक्ट के रिगार्डिंग अगर पूछ कहेंगे तो ये बॉन्ड कैसा कहलाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस की वजह से आप कहेंगे तो ये तो पोलर बॉन्ड कहेंगे आप इसे, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, मगर इंडक्टिव इफेक्ट के रिगार्डिंग कहेंगे तो ये जो सी एच बॉन्ड है ये क्या कहलाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड कहलाएगा। किसके लिए, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। क्यों, क्योंकि इसीलिए एच का इफेक्ट हमने क्या माना है, जीरो। एच जीरो का मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, प्लस आई का मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे, माइनस आई मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले। चलिए देखिए, अब माइनस आई की बात करते हैं, माइनस आई इफेक्ट क्या है, माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ऐसा कोई भी ग्रुप या एटम जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम कर दे, मतलब इससे इलेक्ट्रॉनों को छीन ले, तो जो छीन लेगा वो कहलाएगा माइनस, और जब इससे इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएंगे, ये एटम अगर इलेक्ट्रॉनों को छीन लेगा तो ये कहलाएगा माइनस आई, और यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दे, यहाँ डोनेट कर दे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन भी तो हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो माइनस आई इफेक्ट क्या है, द ग्रुप विच डिक्रीज द सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कार्बन चेन आर नोन एज माइनस आई ग्रुप। तो ऐसा कोई भी ग्रुप या एटम जो क्या करे, कार्बन चेन में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को कम कर दे, वो क्या कहलाएगा, माइनस आई ग्रुप कहलाएगा, एंड द फिनोमिना इज नोन एज माइनस आई इफेक्ट। और ये जो फिनोमिना है क्या कहलाएगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट। चलिए, जैसे ये कोई कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन पे मैंने एक जेड एटम ले लिया, एटम है ग्रुप है उससे मतलब नहीं है। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, अगर इस जेड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अगर ज्यादा है,
इस जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इस सिंगल बॉन्डेड कार्बन से क्या है ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों को छीनेगा, ये एक पोलर बॉन्ड हो गया, और पोलर बॉन्ड हो गया इसमें क्या हो गया जेड की इलेक्ट्रोनिटी सिंगल बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगी, तो इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी इधर हो जाएगी तो जिस जैसे इसके इलेक्ट्रॉन यहां भागेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो यहां से खींच लेगा, ये प्लस हो जाएगा यहां से खींच लेगा, ये प्लस हो जाएगा यहां, तो कहने का मतलब इस कार्बन चेन के सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन हल्के हल्के किधर शिफ्ट हो जाएंगे जेड की तरफ, तो जेड क्या करेगा इस कार्बन चेन से सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, तो यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ जाएगी और यहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है घट जाएगी, तो इस केस में क्या होगा, तो जेड क्या है जेड इज एग्जिटिंग माइनस इफेक्ट, तो यहां पे जेड क्या कर रहा है कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉनों को छीन ले रहा है, कौन से इलेक्ट्रॉनों को सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को, तो ये क्या कहलाएगा इज एग्जिटिंग माइनस इफेक्ट, तो इसका जेड क्या शो करेगा माइनस इफेक्ट, मगर ये जो पूरी चेन है ये क्या शो करेगी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज, तो इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो कार्बन चेन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दी किसने जेड ने, तो जेड ने कार्बन चेन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दी तो ये क्या कहलाएगा माइनस आई ग्रुप, तो ये जेड है वो क्या कहलाएगा माइनस आई ग्रुप या माइनस आई इफेक्ट। चलिए कंडीशन फॉर माइनस आई ग्रुप, अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन माइनस आई होगा कौन प्लस आई होगा, ये तो हमें पता चल गया जो कार्बन चेन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा वो माइनस आई होगा, मगर ये कैसे पता चलेगा कि कार्बन चेन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही कि बढ़ रही, तो देखिए तो कंडीशन क्या है किसके लिए फोर माइनस आई ग्रुप के लिए, जेड शुड बी पॉजिटिव चार्ज, अगर इस जेड पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो फिर तो ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा, और प्लस आ गया तो प्लस का मतलब तो है 100% झूठ नहीं बोल रहा, रियल में जरूरत है इसे जी, रियल में ऐसे मान लीजिए कि रियल में इसके घर में कोई बीमार है इसे पैसा चाहिए चाहिए, जेब में पैसा है नहीं तो मांगेगा, दोगे तो ठीक है नहीं तो छीन के ले जाएगा चोरी कर लेगा, ठीक है क्योंकि क्या करना है दवाई तो दिलानी है, तो आप समझिए तो इसके अगर किसी भी एटम पे प्लस आ गया तो प्लस का मतलब है बहुत सख्त जरूरत हो गई है इलेक्ट्रॉनों की, और जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तब तक ये प्लस चार्ज खत्म नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पे क्या होता है माइनस, जो इसके प्लस चार्ज को क्या कर देगा रिड्यूस, मैंने आपको बताया किसी भी एटम पे प्लस चार्ज दे दो माइनस चार्ज दे दो रोना स्टार्ट, ठीक है जैसे आप प्लस दोगे माइनस चार्ज दोगे, किसी भी कोई भी न्यूट्रल एटम हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है आयनिक एटम से, ठीक है रीजन क्या है क्योंकि लाइक चार्ज क्या करेगा उसकी सरफेस पे फैल के रिपेल करेगा और उसकी सरफेस पे क्या कर देगा एक टेंशन जनरेट कर देगा जिससे उसे एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा जिससे उसमें एक स्ट्रेन जनरेट हो जाएगी और वो अनस्टेबिलिटी फील करेगा, तो जैसे ही प्लस इस पाएगा तो रोना शुरू करेगा, रोना कोई कौन चाहता है रोना, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन छीन लेगा इससे, तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा इससे, हाँ इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा डिक्रीज, तो अगर जेड पे प्लस है तो ये बात कंफर्म है कि ये माइनस आई होगा, तो प्लस चार्ज है तो क्या दिखाएगा माइनस आई, तो जेड सो हैव द पॉजिटिव चार्ज, अगर जेड पे प्लस चार्ज है तो 100% क्या होगा ये माइनस आई दिखाएगा। चलिए दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ जेड, जेड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा हो जाए किससे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ कार्बन, और कार्बन भी कैसा सिंगल बॉन्डेड कार्बन का हो या sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का हो, तो अगर Z एटम की या Z ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिव सिंगल बॉन्डेड कार्बन से या कहें sp3 कार्बन से अगर ज्यादा है तो उस केस में भी क्या होगा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा Z किससे कार्बन से, तो क्या दिखाएगा माइनस आई, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा फिर विड्रॉ कर लेगा। क्लियर, तो देखिए एग्जाम्पल है कुछ माइनस आई के, सिक्वेंस नहीं है ये, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है भाई, वो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। चलिए तो जैसे अगर हमने बात करा ये N है, ये ग्रुप है, इस ग्रुप के पहले एटम पे प्लस आ गया, प्लस का मतलब क्या है डिमांड है, भूख लगी है, प्यास बहुत तेज है, तो पानी चाहिए चाहिए, इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो क्या होगा माइनस आई। N पे क्या आ गया प्लस, ये कुछ भी ग्रुप है इससे मुझे मतलब नहीं है, प्लस दिखाई दे गया तो क्या हो गया माइनस आई, ये कुछ भी ग्रुप हो प्लस दिखाई दे गया तो माइनस आई। NO2 क्या है अगर मैं बात करूं इसमें तो N की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैसे भी कार्बन से क्या होती है ज्यादा, N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंगल बॉन्डेड कार्बन से क्या होती है ज्यादा, और ये तो डबल बॉन्डेड कार्बन है, और क्योंकि अगर आप NO2 ग्रुप को खोलोगे तो N डबल बॉन्डेड O आएगा, और अगर आप देखेंगे N डबल बॉन्ड O और एक O माइनस, तो अगर रेजोनेंस की वजह से N पे प्लस भी होता है तो N पे अगर आप देखेंगे इसकी पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के तो N पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, O पे -1 -1 -2 -2 और N पे क्या आएगा प्लस चार्ज, तो इस पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी होता है, कहने का मतलब इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा माइनस आई होगा। और वैसे भी अगर हम बात करें तो N की इलेक्ट्रोनिटी C से क्या होती है ज्यादा होती है सिंगल बॉन्डेड कार्बन से, तो ये भी क्या दिखाएगा माइनस आई, यहां भी पहला एटम कौन है N और N की इलेक्ट्रोनिटी सिंगल बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा है तो क्या दिखाएगा माइनस आई, यहां देखिए N आ गया तो क्या होगा माइनस आई, N आ गया तो क्या होगा माइनस आई, O आ गया तो O की इलेक्ट्रोनिटी तो कार्बन से और भी ज्यादा होगी तो क्या होगा माइनस आई, O आ गया O एटम आ गया तो माइनस आई, हेलोजन आ गई तो हेलोजन की तो इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होगी कार्बन से ज्यादा होती है तो माइनस आई। अगर कार्बन कैसा ट्रिपल बॉन्डेड,
ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का मतलब क्या है, एसपी, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है एसपी, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा होती है। देखिए एसपी थ्री कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिटी होगी एसपी टू कार्बन की, और एसपी टू कार्बन से ज्यादा होगी एसपी की। जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनिटी बढ़ती है। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो इसकी इलेक्ट्रोनिटी सिंगल बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें एस करेक्टर ज्यादा होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी एसपी। डबल बॉन्डेड कार्बन है तो भी क्या होगा, ये एसपी टू, और एसपी टू है तो एसपी थ्री से इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगी क्योंकि एस करेक्टर इसमें 33% होगा। ये ट्रिपल बॉन्डेड फिर क्या आ गया, कार्बन आ गया, और वैसे भी नाइट्रोजन है। तो पहले एटम चेक करते हैं हम, तो ग्रुप का पहला एटम चेक करो, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, अगर इसमें क्या आ गया, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आ गया तो माइनस आई, और यहां पे देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन है या ऑक्सीजन एटम भी आ चुके हैं, इसमें नाइट्रोजन एटम भी आ चुके हैं, तो क्या होगा, माइनस आई होगा। तो इस टाइप के कंपाउंड क्या होंगे, सब माइनस आई दिखाएंगे। तो पहचान हो गई, अब मैं पहचान बता रहा हूं अभी आपको, सुनिए क्या होगा अगर हम बात करेंगे प्लस आई की, चलिए वो बाद में बात करेंगे अभी। चलिए कंपेयर, अभी एक बात कर रहा है कंपेयर ऑफ माइनस आई पावर, माइनस आई पावर को कैसे कंपेयर करें, किस ग्रुप की माइनस आई पावर ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा सिंपल सा है। देखिए कंपेरिजन ऑफ माइनस आई पावर, और इस पे क्वेश्चन आते रहे हर साल, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना किसी साल कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर माइनस आई का, तो वो बता रहा हूं मैं जरा। तो देखिए कैसे कंसिडर करेंगे किस ग्रुप का माइनस आई ज्यादा है, तो कंपेयर ऑफ माइनस आई पावर, तो ध्यान दीजिए पहला पॉइंट क्या है, पॉइंट टू पॉइंट चेक करने जो बात बता रहा हूं, माइनस आई पावर ऑफ कैटायनिक ग्रुप इज मोर देन माइनस आई पावर ऑफ न्यूट्रल ग्रुप। ये कह रहा है जो कैटायनिक ग्रुप है उसका माइनस आई हमेशा ज्यादा होगा किसी भी न्यूट्रल ग्रुप से। अगर किसी भी ग्रुप पे प्लस चार्ज है, पहले एटम पे हो चाहे सेकंड नंबर के एटम पे हो चाहे थर्ड नंबर के एटम पे हो, अगर ओवरऑल उस पे प्लस चार्ज है तो उसकी माइनस आई पावर हमेशा ज्यादा होगी किसी भी न्यूट्रल एटम से या न्यूट्रल ग्रुप से, क्लियर। क्योंकि प्लस का मतलब क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हाई हो गई, प्यास बहुत तकड़ी है, ठीक है। जैसे आप लोगों को प्यास है किसकी, सिलेक्शन की, सिलेक्शन हो जाए आपका, बस किसी भी ढंग से सिलेक्शन हो जाए, कहीं से कोई चुरा के क्वेश्चन दे दे, प्यास ऐसी नहीं होती, प्यास अगर रियल में होती तो सिलेक्शन बाबूजी 5-6 महीने की पढ़ाई में सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। रियल में आप लोगों को प्यास ही तो नहीं है, प्यास अगर होगी तो वो आदमी जिसको प्यास होती है वो ये नहीं सोचता क्वेश्चन कहां से आएगा, तुम पूछते हो क्वेश्चन कहां से आएगा, और जिसको प्यास होती है वो क्वेश्चन ये नहीं पूछता क्वेश्चन कहां से आएगा, वो पढ़ता है, वो चीजों को जान लेता है कि एग्जामिनर कहां, एग्जाम मैंने पढ़ लिया जीओसी, अब पूछे एग्जामिनर कहां से पूछेगा कि आ मेरे सामने पूछ क्या पूछना है तुझे, ठीक है। तो ये इनको होती है प्यास, जिनको प्यास होगी वो रियल में वो चीजें ये नहीं देखते कहां से क्वेश्चन पूछेगा, वो ये नहीं करेगा क्वेश्चन कहां से आ रहा, वो कहेगा कि मैंने जीओसी तैयार कर दिया, अब तू मालूम कर मुझसे क्या मालूम करता है, मैं तेरे कान पे मारता हूं चपत, ठीक है। चपत मानना मतलब तुम चपत मानना भी नहीं समझ रहे, चपत मानने का मतलब आपसे कोई एग्जाम कोई क्वेश्चन पूछे और फटाक से आप आंसर दो, इसे बोलते हैं चपत मानना, ठीक है। चलिए तो देखिए तो क्या होगा, जब भी कोई कैटायनिक ग्रुप है तो उसका माइनस आई हमेशा ज्यादा होगा न्यूट्रल से। जैसे आ जाइए माइनस आई पावर कंपेयर करनी है, इस पे प्लस है, मैं ये नहीं देख रहा कौन से एटम है क्या है, इस पे प्लस है वो न्यूट्रल है तो प्लस वाले का माइनस आई ज्यादा होगा न्यूट्रल से, इस पे प्लस है उस पे प्लस नहीं है तो प्लस वाले का माइनस आई ज्यादा होगा न्यूट्रल से, इस पे क्या है, इस ये भी न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल है, मगर रियल में अगर अब देखो यहां बात फंस गई, इस पे भी ये भी न्यूट्रल वो भी न्यूट्रल, तो फिर कैसे करूं, तो देख लूं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करूं तो इसमें पहला एटम कौन है N, इसमें पहला एटम कौन है F, N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि F की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो F की ज्यादा है तो माइनस आई इसका ज्यादा होना चाहिए, नहीं। अगर रियल में अभी देखो, रियल में ये नेगेटिव नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपसे भीख मांग लेते हैं, पैसे की जरूरत भी नहीं होती फिर भी आपसे भीख मांगते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रियल में जरूरत होती है और भीख भी मांग रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि रियल में घर में जरूरत है मगर दोस्त से अपने कहता नहीं कि मेरे घर में ये दिक्कत है, ठीक है, बात को छुपा जाता है, छुपाता नहीं है, सामने उसमें कमी इसकी नहीं कि छुपा रहा है, सामने उस वाला उसका जो दोस्त है उसको समझना चाहिए, उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि इसके अंदर बगैर बोले, अगर बोल के प्रॉब्लम समझे तो बेकार, बगैर बोले, जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो चैप्टर में आपको, आप चाहते हैं कि हमें कोई बता दे क्वेश्चन कौन सा आएगा, बगैर बताए आप जब जीओसी पढ़ रहे हैं तो आप समझ जाओ कि एग्जामिनर कहां किस पॉइंट को निकाल के पूछ सकता है, क्योंकि वो चाहता है ऐसा पॉइंट पूछना जिसमें आप फंस जाएं, तो आप इस बात को पढ़ते समय एकदम क्लिक कर जाना चाहिए, क्या हो ये बात मेन है, यहां घुमाने की कोशिश करेगा कि आ जा बेटे घुमा मैं घूमूंगा देख, ठीक है, कि तेरे घुमाए नहीं घूमने वाला, मैं कोई चाक थोड़ी को डंडा डालो घुमा दो। चलिए
तो इसमें क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए रियल में अगर इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ओपन करके देखिए, NO2 की अगर मैं स्ट्रक्चर ओपन कराऊं तो N डबल बॉन्ड O और O ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को खोल दूं कोवलेंट बॉन्ड में तो इधर माइनस इधर प्लस, क्योंकि इसने लोन पे डोनेट करा था, तो ये इसकी फॉर्म है। अब मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये रेजोनेंस करता है डबल सिंगल चार्ज, तो ये रेजोनेंस करके अगर रियल स्ट्रक्चर इसकी बनाऊं तो इस पे ये डबल बॉन्ड की पोलैरिटी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी हल्की हल्की, ये आधी यहां और आधी यहां, और ये नेगेटिव चार्ज भी हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ इस पे हाफ इस पर, इस पे क्या रहेगा प्लस। तो रियल में अगर देखें तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, ये छुपा हुआ प्लस चार्ज है मगर रियल में इस पे प्लस है। अगर आप इसकी रियल स्ट्रक्चर खोल के देखोगे तो एन पे क्या है प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का माइनस आई हमेशा ज्यादा होगा एफ से। तो ध्यान रखना NO2 ग्रुप में प्लस चार्ज है मगर आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा वो स्ट्रक्चर ओपन करके, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है जो आपको इंडिकेट नहीं कर रहा है वो, ठीक है। तो ध्यान रखना इसलिए NO2 का माइनस आई एफ से ज्यादा होगा, रीजन क्या है क्योंकि इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, इफ ग्रुप आर सिमिलर, अगर ग्रुप सेम हो जाए या तो कैटाइन कैटाइन, या तो दोनों पे प्लस प्लस चार्ज हो या फिर दोनों ही न्यूट्रल हो, तब कैसे करेंगे। इफ ग्रुप आर सिमिलर दैट इज न्यूट्रल एंड न्यूट्रल 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 हो या फिर कैटाइनिक ग्रुप विद कैटाइनिक ग्रुप, या तो दो न्यूट्रल न्यूट्रल हो या दो कैटाइन कैटाइन हो, तब कैसे कंपेयर करेंगे। आर कंपेयर यानी कि कंपेयर्ड देन इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर विल बी डिसाइडिंग फैक्टर, तो उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर क्या होगा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। कैसे होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव जितनी ज्यादा होगी उसका माइनस आई पावर उतना ज्यादा हो जाएगा। आगे बात समझ में, इफ ग्रुप आर सिमिलर दैट इज कह सकते हैं न्यूट्रल एंड न्यूट्रल, और ये कह सकते हैं कैटाइनिक ग्रुप विद कैटाइनिक ग्रुप, आर कंपेयर्ड देन इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर इज द डिसाइडिंग फैक्टर। अगर दोनों ग्रुप सिमिलर नेचर के हैं प्लस प्लस या न्यूट्रल न्यूट्रल, तो उस केस में जो डिसाइडिंग करेक्टर है वो कौन होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे डिसाइड करेगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी उतना ज्यादा माइनस आई पावर होगा, ठीक। अब इसमें भी एक बात ध्यान रखनी है, जैसे मान लीजिए मैंने दो एटम, दो मेरे पास ग्रुप है, पहला एटम मैंने पकड़ा पहले, तो कैसे चेक करूंगा, इसमें भी मान लीजिए तीन आइटम है इस ग्रुप में, उस ग्रुप में चार आइटम है, और मान लीजिए पहला आइटम कंपेयर करा, अगर पहला आइटम डिफरेंट डिफरेंट पाया गया तो जिसमें पहले आइटम की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगी वही माइनस आई हो जाएगा, मगर पहला आइटम सेम पाया गया, पहला आइटम सेम पाया गया तो आप सेकेंड नंबर का आइटम चेक करेंगे दोनों में, और जब तक चेक करते जाएंगे अगर सेकंड आइटम भी क्या है सेम है, सेकंड पोजीशन का भी आइटम सेम है, तो फिर थर्ड पोजीशन का आइटम चेक करेंगे, और जब तक चेक करते जाएंगे जब तक डिफरेंट आइटम नहीं मिलता। क्लियर, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जरा दिखाइए, तो देखिए नोट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, इफ इन द ग्रुप फर्स्ट एटम आर सेम, अगर दोनों ग्रुप में क्या है, दोनों ग्रुप्स में पहला एटम क्या मिलता है सेम, देन सेकंड एटम विल बी कंपेयर्ड, तब हम सेकंड एटम कंपेयर करेंगे कि किस एटम की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा हो जाएगी उसकी उसका माइनस आई क्या हो जाएगा ज्यादा। इफ सेकंड इज आल्सो सेम, अगर सेकंड एटम भी सेम है, देन द थर्ड, तब हम क्या चेक करेंगे थर्ड, दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डिफरेंट, और ये प्रोसेस जब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक डिफरेंट आइटम हमें ना मिल जाए, फर्स्ट पॉइंट का डिफरेंट आइटम हमें ना मिल जाए तब तक ये सिचुएशन ये प्रोसेस चलाते रहेंगे। देखिए कंपेयर माइनस आई पावर, ये क्वेश्चन है कुछ, ये हमने कुछ ग्रुप ले लिए, इनमें कंपेयर करना है कि माइनस आई पावर किसकी ज्यादा है। तो देखिए पहला पॉइंट देखते हैं, NH2, OH और F, क्या कैटेगरी है कि कोई कैटाइनिक तो नहीं है, अगर कोई कैटाइनिक हुआ नहीं कि किसी पे प्लस चार्ज हुआ तो वो तो सबसे पहले जाएगा, ठीक, उसका माइनस आई तो सबसे पहले, तो कोई भी कैटाइनिक नहीं है सब न्यूट्रल है। तो बात करें अब पहला आइटम, पहला आइटम इसमें N है, इसमें पहला आइटम O है, इसमें पहला आइटम F है, F N से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव O की है, O से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव F की है, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा माइनस आई, तो इससे N से ज्यादा माइनस आई O का, O से ज्यादा माइनस आई F का, क्यों, रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो रही इंक्रीज, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी वैसे वैसे माइनस आई बढ़ेगा, मगर कौन से चेक करना है, फर्स्ट एटम। चलिए यहां बात कर लें, तो इसमें तो एटम ही एक एक ही एटम है, एक एक ही एटम का ग्रुप है, तो बस देखिए इसमें क्या है एफ, इसमें क्या है सी एल, इसमें क्या है बी आर, इसमें क्या है आई, ये ग्रुप के हैं या पीरियड के मत बिल्कुल सोचना, मैंने आपको क्या बताया इंड माइनस आई में कहीं भी ग्रुप या पीरियड नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ क्या बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडक्टिव फैक्ट की पावर में माइनस आई की पावर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव डोमिनेटेड फैक्टर होगा, चाहे वो पीरियड के एलिमेंट हो चाहे वो ग्रुप के हो,
ठीक है, माइनस आई पावर कंपेयर करने में या तो चलेगा पॉजिटिव चार्ज या फिर क्या चलेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चाहे वो ग्रुप के हो, चाहे वो पीरियड के हो, चाहे वो कहीं के भी हो, हमारे यहाँ के हो, तुम्हारे यहाँ के हो, अमेरिका का हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं का भी हो, ठीक है। चलिए तो एफ इलेक्ट्रोनिटी बात करिए तो एफ से सब एफ से कम होगी सी एल की, सी एल से कम बी आर की, बी आर से कम आई की, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिव कम होती जाएगी वैसे वैसे माइनस आई पावर भी क्या होती जाएगी कम, तो सबसे ज्यादा माइनस आई एफ की और सबसे कम आई की, तो ओनली किससे बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव, चाहे ग्रुप के हो चाहे पीरियड को, केवल इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या रहेगा डोमिनेट फैक्टर रहेगा किसमें माइनस आई पावर के केस में। यहाँ देखिए दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, जब दोनों ही सेम कैटेगरी के तो फिर क्या देख लोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें पहला आइटम कौन है एन, इसमें पहला आइटम कौन है ओ, ओ की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है कि एन की, एन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ओ, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका ही माइनस आई क्या होगा ज्यादा, तो माइनस आई इसका ज्यादा होगी। नेक्स्ट ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस तो तीनों है, तो बात करिए अब क्या करें माइनस आई कैसे कंपेयर करें, तो पहला आइटम पकड़ लीजिए उसकी इलेक्ट्रोनिटी चेक कर लो, तो पहला आइटम इसमें कौन है नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन, तो पहला आइटम तो सेम मिला, तो अब बात करें सेकंड पोजीशन का आइटम, तो सेकंड पोजीशन का आइटम इसमें एच है, इसमें कौन है आर थ्री, आर थ्री मतलब कार्बन, और इसमें क्या है एफ थ्री यानी कि एफ, तो सेकंड पोजीशन पहली पोजीशन तो सब में सेम, देखिए सार पहला क्या है तीनों के तीनों कैटायनिक है, तो देखें एटम पहला एटम सब में सेम है, तो थर्ड सेकंड पोजीशन का एटम इसमें हाइड्रोजन है और इसमें कार्बन है, आर थ्री मतलब कोई भी कार्बन चेन, तो इसमें कार्बन है और ये एफ थ्री यानी कि एफ है, तो एच से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा कार्बन, और कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा फ्लोरीन। आगे बात समझ में कि नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है, तो एच से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आर, मतलब एस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया कार्बन, और कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है किसकी फ्लोरीन की, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी वैसे वैसे माइनस आई बढ़ेगा। यहां कुछ लोग गलती कर लेते हैं, ये कहेंगे कि इसमें एच एच तो कोई प्लस आई दिखाता नहीं, अभी जब प्लस आई तुमने सीखा नहीं, और जब सीख लोगे या जिन लोगों ने सीख रखा उनके दिमाग में ये बात आती है कि एच के साहब ये पहला आइटम तो सेम है, इस पे प्लस, इस पे प्लस, और पहला आइटम भी सेम, तो अब देखिए एच के एच तो कुछ इफेक्ट दिखाएगा नहीं, ना प्लस आई ना माइनस आई, और आर क्या दिखाएगा प्लस आई से इसके माइनस आई को कम कर देगा। वाह, माइनस आई में भी प्लस आई घुसेट दोगे आप, यानी कि आई में भी आई, तो सीक्वेंस जो बता रहे हैं वही बात ध्यान रखना, तो पहले देखेंगे पॉजिटिवली चार्ज है कि न्यूट्रल कैटायनिक है कि न्यूट्रल है, अगर सेम कैटेगरी है तो फिर देखेंगे फर्स्ट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर वो सेम है तो थर्ड फिर क्या देखेंगे सेकंड पोजीशन के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कभी माइनस आई में भी प्लस आई लगा बैठो, ठीक है, तो सिर्फ क्या देखना है सेकंड पोजीशन के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये एच है, यहाँ कार्बन है, यहाँ फ्लोरीन है, एस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी कार्बन की, और कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एफ की, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी वैसे वैसे माइनस आई बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए ये प्लस है, इस पे प्लस है NO2, अब आप जान चुके हैं NO2 पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है N पे, वो जो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक, और ये OH हो गया, तो पहली बात तो प्लस वाले तो ज्यादा आएंगे, प्लस वाले पहले आएंगे, न्यूट्रल वाले बाद में आएंगे, प्लस वाला पहले और न्यूट्रल वाला बाद में, ठीक, इस न्यूट्रल में भी इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ये कंप्लीटली न्यूट्रल है, तो कंप्लीटली न्यूट्रल से पहले कौन आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कभी आप सोच लो कि N की इलेक्ट्रॉन, इसमें पहला एटम N है, इसमें पहला एटम O है, तो N से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिटी किसकी होती है O की, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पहला एटम, तो इसका माइनस आई ज्यादा होगा, नहीं इससे ज्यादा माइनस आई इसी का होगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बाद में देखेंगे, पहले चार्ज देखेंगे, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है किस पे NO2 पे, तो इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो वो न्यूट्रल से पहले आ जाएगा, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से पहले आएंगे जिन पे कंप्लीट चार्ज है, इन दोनों कंप्लीट चार्ज में कंपेयर कर लो, अब इसमें पहला आइटम ओ है, इसमें पहला आइटम एन है, एन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होती है ओ की, तो इससे ज्यादा माइनस आई किसका हो जाएगा इसका, क्लियर हो गई बात, तो ये कंप्लीटली न्यूट्रल था, इससे ज्यादा हो गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला, इससे ज्यादा हो गए कंप्लीट चार्ज वाले, दोनों कंप्लीट चार्ज वाले हैं, तो फिर देख लो एटम, फर्स्ट एटम इसमें एन, इसमें एन है, इसमें ओ, एन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ओ, तो इसका ज्यादा हो गया। यहां देखिए ये न्यूट्रल और इस पे क्या है प्लस, प्लस आ गया तो इसका तो माइनस आई सबसे ज्यादा हो गया, इन दोनों से तो ज्यादा हो गया इसका, बात करें इन दोनों में कंपेयर करें तो इन दोनों में ये न्यूट्रल है, सेम कैटेगरी के हैं, तो देखिए पहला आइटम यहाँ भी ओ वहां भी ओ, तो अब देख लो नेक्स्ट आइटम इसमें कौन है हाइड्रोजन है, और उसमें नेक्स्ट आइटम कौन है कार्बन, आर मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप कार्बन चेन, ठीक है, तो ये कार्बन है, और इलेक्ट्रोनिटी हाइड्रोजन से ज्यादा किसकी होती है कार्बन की, और कार्बन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगी तो माइनस आई भी उसका ज्यादा हो जाएगा, क्लियर होगी बात, आई बात समझ में कि नहीं। चलिए जरा एक चीज और दिखाइए, तो ये बात जरा ध्यान रखनी है, इन पीरियड्स
एज वेल एज ग्रुप माइनस आई पावर इज डिसाइडिंग ओनली बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी तक हम क्या पढ़ का है पिछले दो लेक्चरों में कि अगर पीरियड के एलिमेंट है तो डोमिनेट फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डाउन द ग्रुप गए हैं तो डोमिनेट फैक्टर साइज, मगर माइनस आई के केस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, चाहे ग्रुप के एलिमेंट हो चाहे पीरियड के। क्लियर। दूसरी बात, अभी देखिए इस एन पे तो प्लस था तो ये कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज था तो माइनस आई स्ट्रॉन्ग था। जैसे NO2 की बात करे थे तो NO2 को जब ओपन करे थे तो ये स्ट्रक्चर थी, तो इस पे N डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को खोलते तो इस पे माइनस इस पे प्लस, तो कहने का मतलब है N पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। पार्शियल क्यों, ये तो कंप्लीट चार्ज दिखाई दे रहा है, अभी ये रेजोनेंस करेगा ना, ठीक है। तो इस पे क्या होता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ध्यान रखना इसलिए क्या है तो इस पे क्या होगा नहीं कि इंटरनल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इसमें, तो इससे क्या होगा तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, छुपा होता है इसका पॉजिटिव चार्ज, तो ध्यान रखेंगे जरा NO2 के केस में। चलिए तो समझ में आ गई बात, इसलिए NO2 पे क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसका माइनस आई ज्यादा हो गया था किससे OS से। अगर इस पे पार्शियल चार्ज ना होता तो N से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है O, तो फिर यहां होता, फिर ये ज्यादा माइनस आई होता। चलिए अब बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट की, तो प्लस आई क्या होगा माइनस आई का रिवर्स, मतलब जो कार्बन चेन को सिग्मा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, जो कार्बन चेन पे सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ा दे, तो द ग्रुप विच इंक्रीज द सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कार्बन चेन आर नोन एज प्लस आई ग्रुप एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट। क्लियर। चलिए, फॉलोइंग ग्रुप्स आर कैपेबल ऑफ शोइंग द प्लस आई इफेक्ट, तो कौन कौन से ग्रुप हैं जो प्लस आई दिखा सकते हैं। एनायनिक ग्रुप, मतलब जिस पे भी माइनस आ गया, माइनस आ गया तो इसका मतलब क्या है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता इतनी हो गई, खूब तेजी से रो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ले जाओ कोई, मतलब ऐसा सिचुएशन मानिए, ऐसी सिचुएशन मानिए कि जैसे क्या है कि मान लीजिए बेतोड़ पैसा हो और बेफजूल का पैसा हो और गवर्नमेंट कह दे कि चेकिंग होगी तो आदमी क्या करेगा पैसे को इधर उधर बखेरेगा, वैसे ही है। कैनायनिक ग्रुप, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज का मतलब है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हद से ज्यादा पैसा हो गया जो पकड़ में आएगा, जिससे अब जेल भी हो सकती है उल्टा, तो क्या करेगा इसको बखेरेगा, तो कहने का मतलब है अगर माइनस चार्ज आ गया तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और किसी भी एटम पे प्लस चार्ज आ जाए माइनस चार्ज आ जाए तो वो क्या करता है रोना शुरू कर देता है, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल करके उसे एंगल उसमें क्या करेगा एक स्ट्रेन डेवलप करता है, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। एनायनिक ग्रुप विल शो द प्लस आई इफेक्ट, तो जिस पे भी माइनस मिल गया तो वो तो इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगा ही करेगा, ठीक। चलिए, इन द न्यूट्रल ग्रुप, न्यूट्रल ग्रुप में कौन है, इन द न्यूट्रल ग्रुप ओनली एल्काइल ग्रुप कैन शो प्लस आई ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मतलब, एल्काइल ग्रुप का मतलब है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ऐसा ग्रुप जो कार्बन और हाइड्रोजन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो वो क्या दिखाता है प्लस आई इफेक्ट। तो जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या दिखाएंगे प्लस आई, मगर एल्काइल भी कैसे सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड वैसे कहना गलत है, मगर मोस्टली अभी आप इनिशियली ध्यान रखेंगे कि जो सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप है मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन, जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है वो जनरली क्या दिखाएगा प्लस आई, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो जाएगी, डबल बॉन्डेड कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी सिंगल बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन देने की बजाय उल्टा क्या कर लेगा उस कार्बन चेन से छीन लेगा, तो इसलिए जो सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल ग्रुप से पहले लिखना चाहिए सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप क्या दिखाएंगे प्लस आई इफेक्ट। एल्काइल ग्रुप मैंने बता दिया जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो। चलिए, दूसरा आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता नहीं, उसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है जीरो है, मगर हाइड्रोजन के और भी क्या है हम शक्ल है, या कह सकते हैं उसके जुड़वा तुड़वा भाई हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स हैं प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यानी कि एच डी और टी, तो जो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है ये भी क्या दिखाते हैं प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, तो ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम यानी कि आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन दैट इज ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम कैन शो प्लस आई इफेक्ट, ये भी क्या दिखाते हैं प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल देख लें, जैसे ये सीक्वेंस नहीं लिखी मैंने प्लस आई की, सीक्वेंस मैंने कहा बाद में बताऊंगा, तो देखिए इस पे माइनस है, इसमें कुछ भी एटम हो इससे मुझे मतलब नहीं है, इसमें क्या है माइनस चार्ज है इस पे, तो क्या दिखाएगा प्लस आई, माइनस चार्ज है तो प्लस आई, माइनस चार्ज है चाहे पहले एटम पे हो चाहे लास्ट एटम पे हो चाहे बीच वाले पे, कुल मिला के ओवरऑल माइनस चार्ज है तो प्लस आई। ये देखिए क्या है एल्काइल ग्रुप कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ और कैसा है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप है तो प्लस आई, ये देखिए कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यानी कि इथाइल क्या है सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप है तो प्लस आई, ये भी सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप है तो प्लस आई, ये भी सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप है तो प्लस आई, और ये ड्यूटेरियम और ट्राइटियम क्या दिखाएंगे प्लस आई।
क्लियर होगी बात? तो ध्यान दीजिए, अगर किसी पे माइनस है तो क्या दिखाएगा, प्लस आई, और प्लस है तो क्या दिखाएगा, माइनस आई। अब कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन एटम है सिंगल बॉन्ड के साथ, तो क्या दिखाएगा, प्लस आई। और इसमें कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन और हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड के अलावा कुछ भी चेंज हो जाए तो ये माइनस आई हो जाएगा। कहीं भी एक सीएल लगा दो माइनस आई, कहीं भी ओ लगा दो माइनस आई, कहीं भी एन लगा दो माइनस आई, कहीं भी फ्लोरीन लगा दो माइनस आई, कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो माइनस आई, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो माइनस आई। तो इसमें जरा सा भी कुछ भी चेंज हुआ, यहां भी एच, एक एच हटा के एक सीएल भी लगा दिया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये माइनस आई हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्योंकि प्लस आई केवल वही एल्काइल ग्रुप दिखाएंगे जो सैचुरेटेड हो, एल्काइल ग्रुप का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन। अदर आइटम कोई लग गया तो वो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, फिर वो प्लस आई नहीं माइनस आई दिखाएगा। तो और डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तब भी क्या दिखाएगा, माइनस आई। क्लियर हो गई पहचान? अब तो बहुत आराम से पहचान सकते हो, प्लस है तो माइनस आई, माइनस है तो प्लस आई। अब न्यूट्रल में कैसे पहचानोगे, अगर कार्बन और हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, प्लस आई। और कार्बन हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड के अलावा कुछ भी इसमें चेंज हुआ, डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, हाइड्रोजन हट के कोई भी और, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और आइटम लग जाए तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल उस केस में क्या हो जाएगा, फिर वो माइनस आई हो जाएगा। चलिए, व्हाई मेटल नॉट डू नॉट शो प्लस आई इफेक्ट। ये कह रहा है जो मेटल है वो प्लस आई इफेक्ट क्यों नहीं दिखाता। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाने की, होती कि नहीं होती। मेटल्स को, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाने की। और जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन जो दे रहा हो, वो तो क्या करेगा, वो तो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा। जैसे ये कार्बन चेन है, इसमें मेटल, ये सोडियम ले लिया, सोडियम और कार्बन के बीच में ये माइनस और ये प्लस, तो ये बीच में क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड बन गया, ये क्या हो गया, कोई कार्बाइड्स हो गया। ठीक है, तो यहां देखिए ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हो गया, तो ये क्या है, आयनिक बॉन्ड है। तो ये कह रहा है कि ये जो मेटल है ये प्लस आई क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चले गए, कार्बन पे, तभी तो ये माइनस हो गया, वो प्लस हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं तो ये इंडक्टिव इफेक्ट क्यों नहीं दिखा रहा, ये मेटल प्लस आई क्यों नहीं दिखा रहा। तो देखिए, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो मेटल ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन पार्शली शिफ्ट होते हैं, पार्शली डिस्प्लेस होते हैं, पार्शली ट्रांसलेट होते हैं। ठीक है, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होते, स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आता है। तो एक तो रीजन हो गया कि इसमें आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर, उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें आयंस ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया, कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया, तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, बॉन्ड इन बिटवीन मेटल एंड कार्बन इज आयनिक इन नेचर। तो मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक नेचर का है, और ये सिग्मा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कहाँ ऑपरेट होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, पहले लिख दिया कोवेलेंट बॉन्ड में ऑपरेट, कोवेलेंट बॉन्ड की, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जो पोलैरिटी जेनरेट होती है वो पोलैरिटी कार्बन सिंगल बॉन्डेड चेन में क्या हो जाए, कार्बन चेन में ऑपरेट हो जाए, वो भी किसके थ्रू, सिंगल कार्बन बॉन्ड के थ्रू, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी कैसा, कार्बन कार्बन के बीच का। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जो पोलैरिटी जेनरेट होती है, उस पोलैरिटी, वो पोलैरिटी फर्दर कार्बन चेन में कंटिन्यू हो जाए सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो वो क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस पहली बात तो ये, तो इसलिए मेटल प्लस आई क्यों नहीं दिखा रहा, एक तो क्या, इसने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर करे हैं, दूसरी बात ये जो बॉन्ड बनेगा ये आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, इंडक्टिव इफेक्ट डिफाइंड होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। समझ में आ गई बात? चलिए, कंपेरिजन ऑफ प्लस आई पावर। अब कैसे पता करेंगे कि किस ग्रुप का प्लस आई ज्यादा है, तो सबसे पहले तो जिस पे माइनस हो गया, जिस पे माइनस हो गया उसकी, वो तो इलेक्ट्रॉन देगा देगा, जबरदस्ती देगा। ठीक है, तो कंपेरिजन ऑफ प्लस आई पावर, तो प्लस आई पावर ऑफ ए एनायनिक ग्रुप इज मोर देन द न्यूट्रल ग्रुप। ठीक है, तो क्या होगा, प्लस आई पावर एनायनिक ग्रुप की हमेशा ज्यादा होगी किससे, न्यूट्रल से। तो देखिए, अगर ये अगर कंपेयर करें तो ये एनायनिक है, ये न्यूट्रल है, तो जिस पे माइनस आ गया उसका प्लस आई ज्यादा, इस पे माइनस है वो न्यूट्रल है तो इसका ज्यादा होगा, इस पे माइनस है, इस पे क्या है, न्यूट्रल है, तो इसका प्लस आई क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए, दूसरा, ऑर्डर ऑफ प्लस आई पावर विल बी, अगर हम बात करें प्लस आई पावर ऑर्डर की, तो सबसे ज्यादा तो हो गया एनायनिक ग्रुप का, एनायनिक ग्रुप के बाद हो गया एल्काइल ग्रुप, सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप, और उसके बाद होगा ट्राइटियम, उसके बाद होगा ड्यूटेरियम, और लास्ट में आएगा हाइड्रोजन, जिसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जीरो। इससे ऊपर वाले क्या होंगे, प्लस आई, इससे नीचे वाले क्या होंगे, माइनस आई। क्लियर होगी बात? चलिए, तो क्या है पावर, अगर हम बात करें तो प्लस आई पावर का जो ऑर्डर हो गया, ध्यान दीजिए, सबसे पहले एनायनिक,
उसके बाद एल्काइल ग्रुप, उसके बाद आते हैं एल्काइल ग्रुप के बाद में आते हैं हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स कौन, और हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स में भी ड्यूटेरियम से ज्यादा ट्राइटियम, तो एस से ज्यादा प्लस आई होगा ड्यूटेरियम का, ड्यूटेरियम से ज्यादा होगा ट्राइटियम का। अब बात समझ लीजिए, ड्यूटेरियम का जो प्लस आई है वो एस से ज्यादा क्यों है, समझिए। इस हाइड्रोजन का मास है 1, इसका ड्यूटेरियम का मास होता है 2 यूनिट और ट्राइटियम का मास होता है 3 यूनिट, यानी कि इससे ज्यादा हैवी है ये और इससे ज्यादा हैवी है ये। जितना हैवी एटम होगा उतना वाइब्रेशन क्या होगा, कम। मैं आपको बताता हूं, जब भी दो बॉन्ड, दो एटम के बीच में कोई बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड, वो बॉन्ड की जो लेंथ है वो फिक्स नहीं होती। बॉन्ड एक्चुअल में है क्या, बॉन्ड ऐसा नहीं है कि दो एटमों को एक रस्सी से एक रॉड से बांध दिया उनकी पोजीशन फिक्स रहेगी, नहीं। बॉन्ड तो क्या है, एक दो एटमों के बीच में एक अट्रैक्शन है, एक मोहब्बत है, ठीक है, तो लगाव है। क्या है, दो एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करके है क्या है, चिपक जाते हैं, और अट्रैक्ट करके अट्रैक्शन से वो क्या है, आपस में बंध जाते हैं, तो जिसे बोलते हैं बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, ठीक। मगर उसमें उनकी एटम की फिक्स नहीं होती, और वो अट्रैक्शन, वो ऐसा लगाव बेकार जिसमें पोजिशन फिक्स ना हो, जिसमें पोजिशन फिक्स हो जाए वो बेकार है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एटम आपस में फिक्स नहीं बंधे होते, ये वाइब्रेशन करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक। तो वाइब्रेशन करते रहेंगे तो दो एटमों के बीच में क्या है, डिस्टेंस घटती बढ़ती रहती है। अब डिस्टेंस जितनी कम होगी दो एटमों के बीच में, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की पावर ज्यादा होगी, या कह सकते हैं उतना ज्यादा प्लस आई होगा। अब जल्दी वाइब्रेट कौन करेगा, जो हल्का है वो वाइब्रेट ज्यादा करेगा, और जो भारी है उसका वाइब्रेशन कम होगा। जैसे आप देखते हैं हल्की चीज ज्यादा लहराएगी हल्की सी हवा में भी, ठीक है। कोई धागा से अगर आप क्या करें, धागा किसी भी डोर पे बांध दें तो वो क्या है, बगैर हवा भी चले हिलता रहता है क्योंकि बहुत हल्का है। तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन है इसमें वाइब्रेशन ज्यादा होगी, ड्यूटेरियम में वाइब्रेशन कम होगी, ट्राइटियम में वाइब्रेशन और भी कम होगी, क्योंकि इनका मास हैवी होता जा रहा है। तो इसका मास हैवी है तो इसमें वाइब्रेशन कम है, इसमें वाइब्रेशन कम है तो इसके दो एटमों के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ कम होगी, तो इस पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, जिससे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर भी ज्यादा हो जाएगी। तो ध्यान देना है, जो जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा तो वाइब्रेशन घटता जाएगा, वाइब्रेशन घटेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, उस केस में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर ज्यादा होगी। एच के केस में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो इसमें क्या है, डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, तो डोनेटिंग टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, बहुत कम। दूसरा, प्लस आई पावर ऑफ एनायनिक ग्रुप इज कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ द एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज, या कह सकते हैं इक्विवेलेंट टू बी द बेस स्ट्रेंथ, जैसे बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ये तो थी कौन जल्दी, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ थी, तो सेम कहानी वही है। प्लस आई पावर अगर हम देखें किसमें, एनायनिक ग्रुप में, तो उसमें भी वही देखा जाएगा, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, प्लस आई, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो एनायनिक है, तो इन एनायनिक की जो प्लस आई पावर है वो न्यूट्रल से तो ज्यादा है, मगर इनमें आपस में कंपेयर कैसे करें, तो आपस में कंपेयर जैसे बेसिक स्ट्रेंथ देखते थे, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कि ये रिलीज करेगा, तो अब यहां देखना है कि ये ग्रुप के हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है, तो अब ये चेक करना है कि ग्रुप के हैं या पीरियड के, क्योंकि ग्रुप के हुए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और वो ग्रुप के हुए तो साइज, और पीरियड के हुए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मगर फिर रिवाइज करा दूं, माइनस आई के केस में चाहे कैसा भी हो, ग्रुप के हो चाहे पीरियड के हो, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई पावर किससे चेक हो रही थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर से। मगर प्लस आई कैसे डिसाइड होगी, वो डिपेंड करेगा बिल्कुल बेसिक स्ट्रेंथ, यानी कि पीरियड के हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ग्रुप के हैं तो साइज। तो यहां देखिए एन और ओ दोनों ही नेगेटिव है, तो कंपेयर कैसे कर लें, तो पहला टर्म इसमें एन है, इसमें ओ है, तो इसमें एन और ओ क्या है, सेम पीरियड के हैं, और सेम पीरियड के हैं तो डोमिनेट फैक्टर कौन होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव जितनी ज्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम तो प्लस आई भी क्या हो जाएगा, कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज्यादा है जी, ओ की ज्यादा है, एन की कम है। जिसकी इलेक्ट्रोनिटी कम है वो आराम से इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट कर देगा, ये जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, तो इसकी प्लस आई ज्यादा होगा, इसका प्लस आई क्या होगा, कम। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना प्लस आई कम, ये कह सकते हैं जितना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा क्या होगा, प्लस आई। यहां देखिए O- S- दोनों एनायनिक हैं, तो फिर कैसे कंपेयर करें, तो चेक करिए जो सोर्स एटम है, सोर्स एटम मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन इससे जाएगा O से, इससे जाएगा S से, तो O और S क्या है, ग्रुप के एलिमेंट है, और ग्रुप के एलिमेंट है तो डोमिनेट फैक्टर कौन होगा, साइज, और साइज जिसका छोटा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉनों को फेंक देगा। आगे बात समझ में नहीं, चलिए
तो साइज डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, तो एस का साइज बड़ा है, ओ का साइज छोटा है, जिसका साइज छोटा है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, या कह सकते हैं जिसका साइज छोटा होता है उसकी बेसिक नेचर ज्यादा होती है। तो रीजन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी कब, जितनी देखिए साइज जितना छोटा उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा, जिससे प्लस आई क्या हो जाएगा ज्यादा। चलिए इनमें कंपेयर कर लें, बाबू जी ये भी माइनस है ये भी माइनस है, मगर अब बात करें इस पे जो माइनस है, अगर मैं ओपन करूं तो इस पे जो माइनस है वो एन पे होगा। देखिए एन पे एक बॉन्ड तो हो गया बैलेंसी बैकेंड, एक एनएच, एनएच पे एक बैलेंसी हो गई, एक एच वाला बॉन्ड हो गया, दो बॉन्ड हो गए किस पे, एन पे, एच का तो एक ही बॉन्ड होता है वो तो एनएच के बीच में कंप्लीट है, तो एन की बैलेंसी नॉर्मल तीन होती है, और यहां एन पे कितने बॉन्ड लगते दिखाई दे रहे हैं, दो। देखो एक तो एक बैकेंड ऑर्बिटल हो गई, ये इसे बोलते हैं फ्री रेडिकल यानी कि बैलेंसी बैलेंसी बैंड, ठीक है। तो ये बैकेंड ऑर्बिटल हो गई, ये कह सकते हैं एक रेडिकल्स हो गया, और एक क्या होगा एनएच के बीच में बॉन्ड, तो एन पे दो बॉन्ड हो गए, तो ये क्या होगा एक बैलेंसी कम है, तो ये माइनस चार्ज किस पे, एन पे है। यहां अगर इसे ओपन करूं तो ये माइनस चार्ज किस पे होगा, अगर इसे बिल्कुल ओपन करूं तो पहले एटम पे नहीं है, किस पे, लास्ट एटम पे है माइनस, तो इस पे जो इस पे भी माइनस है, इस पे भी माइनस है, मगर इस पे माइनस किस पे है, सेकंड नंबर के एटम पे, सेकंड पोजीशन के एटम पे, मगर इसमें जो माइनस चार्ज है वो फर्स्ट एटम पे है। आगे बात समझ में नहीं, तो फर्स्ट एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये फटाक से इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट, यहां से इस प्रोसेस के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन जाने इस बॉन्ड के थ्रू, इस बैलेंसी के थ्रू, और ये क्या है, ये बिल्कुल एकदम पहले लिए बैठा है, ऐसे समझे कि ये तो बिल्कुल अपने दरवाजे पे बंदूक लिए बैठा है, ये कह रहा बंदूक है मगर घर रखी, ठीक है, इतने में तो पत्थर मार के भाग जाएगा, ठीक है, बंदूक घर पे रखी रह जाएगी, तो वो हाथ में लिए बैठा है, ठीक है, बिल्कुल हाथ में लिए बैठा है और एकदम चलाने के लिए तैयार है। तो क्या होगा, वैसे भी मैंने आपको बताया इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है किस पे, डिस्टेंस पे, डिस्टेंस जरा सी घटी इंडक्टिव इफेक्ट एकदम से घट जाएगा। तो ये सेकंड पोजीशन पे माइनस है जबकि वो एकदम फ्रंट पे है, ये कह सकते हैं ये सोर्स एटम पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें सोर्स एटम पहला एटम हो गया तो उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं, वो थोड़ा दूर है। और एक और बात कहें, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके साथ कॉन्जुगेशन होगा, देखिए चार्ज सिंगल डबल ये यहीं घूमता रहेगा, नेगेटिव चार्ज इधर को भागेगा ही नहीं, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है इधर यहां इस डबल बॉन्ड ओ के चक्कर में भी पड़ा हुआ है ये, और चक्कर में पड़ गया तो क्या होगा, आराम से इधर डोनेट नहीं हो सकता। तो ये जो है ये नेगेटिव चार्ज है वो उतना फ्री भी नहीं है डोनेशन के लिए, क्योंकि रेजोनेंस से बंधा हुआ है, ये किसी के बंधन से बंधा हुआ है, और वो तो एकदम तुरंत बैठा और साथ में बंदूक भी हाथ में है, अगर है बंदूक तो हाथ में लिए बैठा है, घर पर रखने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में नहीं, वैसे बंदूक की जरूरत नहीं है, जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं वो हम चीज घर पर क्यों रखें, हमें किसी को मारना नहीं तो क्यों रखें बंदूक, ठीक है। बंदूक रखने का क्या मतलब है, जितने भी आप क्या करते हैं अपने घर में कोई हथियार कोई इस टाइप की चीजें रखें, तो मैंने तो ये देखा 80% उनसे खुद के घर के ही लोग मरे हैं, दूसरों को तो कौन मारेगा, ठीक है, तो इसलिए उन चीजों को रखना बेकार जिनकी हमें जरूरत नहीं है। चलिए मगर एग्जाम्पल ऐसा क्यों बताया, क्योंकि तुम्हें इस टाइप की भाषा बहुत अच्छे से समझ में आती है, मारने लूटने खसोटने वाली है ना, या फ्री में कुछ मिल जाए। चलिए खैर, तो ध्यान दीजिए इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, जबकि उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो सेकंड पोजीशन पे है, और जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो हमेशा, तो मैंने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट में पहला पोजीशन, पोजीशन पहली सीक्वेंस है, पोजीशन जिसकी पास होगी वो सबसे पहले जीत जाएगा, उसके नंबर पे देखते थे नंबर ऑफ ग्रुप्स, उसके बाद देखते थे ग्रुप स्ट्रेंथ। चलिए जैसे यहां देख लो सेकंड, ये कार्बन चेन है इसमें यहां है, और ये कार्बन चेन है इसमें, तो देखिए जहां समझिए ये जो कार्बन चेन थी, इस कार्बन चेन के एकदम फ्रंट पे माइनस लिए बैठा, तुरंत फेंक देगा एकदम, और ये क्या है, ये बेचारा इसे बुलाते रह जाएगा, क्या भाई सुनिए भाई आइए भाई इधर को, ठीक है, तो वो इतना में सुनने में रह जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, वो गड्ढे में गिर जाएगा, इतना वो इतना काम कर देगा, वो जीत जाएगा। आगे बात समझ में नहीं, चलिए तो ठीक है, तो एकदम फ्रंट फर्स्ट पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज है, वो सेकंड पोजिशन पर लिए बैठा, तो पोजिशन फर्स्ट मस्ट है, पोजीशन क्या कर देती है इंडक्टिव इफेक्ट में, सबसे ज्यादा क्राइटेरिया फैक्टर है किसका, इंडक्टिव इफेक्ट पावर का, आई पावर सबसे पहले किससे डिसाइड होगी, डिस्टेंस से। चलिए तो डिस्टेंस इन क्या हो गया, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये कह सकते हैं जो फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट का फैक्टर वो क्या होगा, डिस्टेंस के इनवर्सली होगा, तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ओ माइनस का जो इफेक्ट है, अब यहां देख लें O- और ये COO- ये भी इस पे भी माइनस है, इस पे भी माइनस है, मगर इसका माइनस फर्स्ट पोजीशन पे है और इसका माइनस फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, वो O पे है C पे नहीं है, तो इसलिए जिसमें नियर पोजीशन होगी वो हमेशा जीत जाएगा, तो इसका माइनस आई ज्यादा होगा इससे, तो रीजन है डिस्टेंस। चलिए प्लस आई पावर ऑफ एल्काइल ग्रुप, अब एल्काइल ग्रुप का कैसे कंपेयर करेंगे, ये तो हमें पता चल गया कि एनायनिक की माइनस आई प्लस आई पावर ज्यादा होगी किससे, एल्काइल ग्रुप से, और एल्काइल ग्रुप की ज्यादा होगी ट्राइटियम से, और ट्राइटियम की ज्यादा होगी ड्यूटेरियम से,
और ड्यूटेरियम की ज्यादा होगी हाइड्रोजन से। मगर जब डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होंगे तो उनमें कैसे कंपेयर करेंगे, तो प्लस आई पावर ऑफ एल्काइल ग्रुप वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑन द फाइव यानी कि फ्री वैलेंट कार्बन। फ्री वैलेंट कार्बन मतलब जिस कार्बन पे बैलेंसी लगी होती है, जिस एटम जैसे ये एटम है इस ऑक्सीजन पे बैलेंसी लगी तो ये क्या कहलाएगा, इसका फ्री वैलेंट एटम। तो एल्काइल ग्रुप में एटम कौन होगा, कार्बन। तो जो फ्री वैलेंट कार्बन एटम है उस पर जितनी ज्यादा ब्रांचेस लगी होंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका प्लस आई होगा। आगे बात समझ में, इफ नंबर ऑफ ब्रांचेस आर सेम, अगर नंबर ऑफ ब्रांच सेम हो जाए तब हमें चेक करना है नंबर ऑफ कार्बन। तो जितने ज्यादा क्या होंगे, तो देखिए एल्काइल ग्रुप का जो प्लस आई पावर आप चेक करेंगे तो उसके लिए दो फैक्टर मैंने आपको बताए। पहला फैक्टर क्या है, फ्री वैलेंट कार्बन पे, फ्री वैलेंट कार्बन पे, फ्री वैलेंट कार्बन मतलब जिस पे बैलेंसी लगी होती है, फ्री वैलेंट कार्बन पे जितनी ज्यादा ब्रांचेस है उतना ज्यादा क्या होगा, प्लस आई। अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस सेम है तो फिर चेक करेंगे कितने ज्यादा टोटल कार्बन है किसमें, एल्काइल ग्रुप में। तो एल्काइल ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कब देखे जाते हैं, जब नंबर ऑफ ब्रांचेस सेम हो जाए किस पे, फ्री वैलेंट कार्बन पे। नहीं तो पहले क्या देखना है, पहले देखना नंबर ऑफ ब्रांचेस किस पे, फ्री वैलेंट कार्बन पे। उस अगर वो सेम पाए जाए तो उसके बाद चेक करना है टोटल नंबर ऑफ कार्बन। तो जिसमें जितनी ज्यादा ब्रांचें होंगी उसका प्लस आई उतना ज्यादा होगा। अगर ब्रांचें सेम हो गई तो फिर देखेंगे कार्बन, जिसमें जितने ज्यादा टोटल कार्बन होंगे उसका प्लस आई उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखिए एक प्रॉब्लम देखिए, बहुत प्यारी सी प्रॉब्लम है, इस पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो यहां बच्चे गलती करेंगे, क्योंकि इसके बारे में जो जिक्र है किताबों में बुकों में बहुत कम है, ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब माइनस आई के पीछे पड़े हैं और प्लस आई का ऑर्डर जब भी पूछा गया तो गट का खा जाएंगे लोग, ठीक है। तो इसको जरा स्पेशली ध्यान रखिए। अरेंज द एल्काइल ग्रुप, अरेंज द फॉलोइंग एल्काइल ग्रुप इन द ऑर्डर ऑफ प्लस आई पावर। तो प्लस आई पावर में अरेंज करना है इन एल्काइल ग्रुप को। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, ये है जी पहला फ्री वैलेंट एटम, फ्री वैलेंट कार्बन एटम ये है जिस कार्बन पे बैलेंसी लगी है। तो ये क्या हो गया, फ्री वैलेंट कार्बन एटम। इस फ्री वैलेंट कार्बन एटम पे सिर्फ एक ही ब्रांच लगी है, ये और तो कोई ब्रांच है नहीं है। दो बैलेंसी तो किससे पूरी हो गई, हाइड्रोजन से, और बाकी तीसरी बैलेंसी पे क्या लगा, एक ब्रांच लगी है पूरी। इस पे देखिए इसका फ्री वैलेंट एटम ये हुआ और इस कार्बन पे एक ब्रांच ये हो गई और एक ये हो गई, तो इस पे कितनी ब्रांच आ गई, दो। उस पे कितनी आई थी, सिर्फ एक। वो उससे फर्क नहीं पड़ता वो कितने कार्बन की ब्रांच है, नंबर ऑफ ब्रांच एक होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया इंडक्टिव इफेक्ट में पहली पोजीशन, पहली बात नियर पोजीशन, दूसरी इंपॉर्टेंट बात नंबर ऑफ ग्रुप। तो इसमें कितना एक ग्रुप है वो कितने कार्बन का है इससे मतलब नहीं है, ये देखिए, ठीक है। चलिए तो इस कार्बन पे कितनी बैलेंसी, कितने ब्रांचेस हो गई, दो। इसकी बात करें ये फ्री वैलेंट है, ये फ्री वैलेंट कार्बन है जिसपे बैलेंसी लगी, इस पे कितने ग्रुप हैं, देखो एक तो कार्बन ये हो, एक ग्रुप तो ये हो गया, एक ब्रांच तो ये हो गई और एक ब्रांच ये हो गई पूरी। यहां देखिए इस कार्बन, ये फ्री वैलेंट कार्बन है, इस पे कितनी ब्रांच हो गई, एक और एक दो और एक तीन। तो इस पे तीन ब्रांच है, इस पे दो ब्रांच है, इस पे भी दो ब्रांच है, उस पे एक ब्रांच है। तो सबसे पहले तो कौन आ गया, तीन ब्रांच वाला, तो पहले तो आ गया डी। उसके बाद कौन आएंगे, ये बी और सी दो ब्रांच वाले। उसके बाद कौन आएगा सबसे लास्ट में, ए। तो सबसे पहले डी और उसके बाद सबसे लास्ट में ए, बीच में आएंगे दो दो ब्रांच वाले। अब इस पे भी दो ब्रांच थी और इस पे भी दो ब्रांच थी, जब नंबर ऑफ ब्रांच सेम हो गई तो फिर क्या देख लो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3 है, इसमें टोटल कार्बन 1, 2 और 2 के बाद ये तो बहुत सारे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ टोटल कार्बन क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो इसलिए सी पहले आ जाएगा बी से, तो सी पहले हो जाएगा बी से। आगे बात समझ में, इस पे तीन ब्रांचेस थी और इस पे एक ब्रांच थी, तो पहले तो तीन वाला, उसके बाद दो ब्रांच वाला, उसके बाद एक ब्रांच वाला। दो ब्रांच वाले दो हैं तो फिर क्या देख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन सी में ज्यादा है, तो इसलिए सी पहला हो जाएगा बी से। क्लियर होगी बात, नेक्स्ट। तो देखिए नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कैसे पता चलती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम विच, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद द फ्री वैलेंट कार्बन। तो फ्री वैलेंट कार्बन से वो डायरेक्टली कार्बन जो से जो फ्री वैलेंट कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है वही क्या कहलाएगी, नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होंगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कौन से कार्बन एटम, विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद फ्री वैलेंट एटम, जो फ्री वैलेंट कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच हूं, ठीक है। चलिए देखिए रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट बातें क्या है जो अभी तक आपने पढ़ा,
क्या है, कैटायनिक ग्रुप आर माइनस आई, जब भी प्लस चार्ज होगा तो क्या दिखाएगा, माइनस आई, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा और खींचेगा तो क्या होगा, माइनस आई, जो विड्रॉ करे, जो इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करे वो क्या कहलाता है, माइनस आई। एनायनिक ग्रुप यानी कि माइनस चार्ज है तो क्या दिखाएगा, प्लस आई। एनायनिक ग्रुप का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, क्योंकि माइनस चार्ज किसी पर जभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए हों, और इलेक्ट्रॉन अधिक का मतलब ये डोनेट करेगा यानी कि रिलीज करेगा, तो ये क्या हो गया, प्लस आई ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो प्लस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और माइनस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो अगर प्लस चार्ज है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या दिखाएगा, माइनस आई, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, क्या होगा, प्लस आई। इन द न्यूट्रल ग्रुप ओनली एल्काइल ग्रुप आर प्लस आई ग्रुप, न्यूट्रल एटम में अगर मैं बात करूं तो ओनली क्या है, एल्काइल ग्रुप क्या दिखाते हैं, प्लस आई दिखाते हैं, और एल्काइल ग्रुप भी कौन से, सैचुरेटेड वाले। इन द न्यूट्रल ग्रुप ओनली एल्काइल ग्रुप आर प्लस आई एंड रेस्ट ऑफ द न्यूट्रल ग्रुप, बाकी जितने भी न्यूट्रल ग्रुप होंगे वो सब माइनस आई होंगे। और मैंने बताया भी था कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई भी एटम आता है उसमें लग गया तो वो ओवरऑल माइनस आई हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, दूसरा हाइड्रोजन विल सो जीरो इंडक्टिव इफेक्ट, ये कह रहा है हाइड्रोजन विल सो जीरो इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स आइसोटॉप्स विल सो प्लस आई इफेक्ट, और इसके जो आइसोटॉप्स हैं वो क्या दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट, यानी कि ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, और वो भी हाइड्रोजन से ज्यादा हो गया फिर ड्यूटेरियम का, ड्यूटेरियम से ज्यादा हो गया ट्राइटेरियम का। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, बस मैंने आपसे कहा है कि इसको पढ़ते जाइए, कोई बात समझ में आ रही तो भी ठीक, नहीं आ रही तो बहुत ही शानदार बात है। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो उससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती, बस आप क्या हैं, सुनते जाइए, चीज़ें एंटर कर जाएंगी अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा कब अंदर चली गई है और कब एग्ज़ाम में जब आप जाके बैठोगे तो ऐसा तो देखो फील होता है, जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की चाहत करते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं छीन ना जाए, जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहने लगते हैं तो इसका डर सताने लगता है कहीं हमसे दूर ना हो जाए, कहीं हमसे छिन ना जाए। ठीक है, तो वही ऐसा होता है क्योंकि आप क्या करते हैं, सिलेक्शन की चाहत रखते हैं, और चाहत रखते हैं तो जब उसके लिए कुछ पढ़ते हैं तो आपको बीच बीच में आती हुई चीज़ भी ऐसी लगती है जैसे हम भूल रहे हैं। ठीक है, ऐसी क्या है, कोई तुम्हारा दोस्त हो तुमसे अच्छे से बात करे, कोई दो दिन बात ना करे तो आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या घूमने लगता है, तो वैसे ही तुम्हारे दिमाग में घूमता है, तो ऐसा भ्रम होता है, ऐसा रियल में होता नहीं जब आप चीज़ों को पढ़ोगे। तो इसलिए क्या है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना इस पर, बहुत ज़्यादा जोर दोगे तो रुकावट हो जाएगी, जब बिल्कुल सॉफ्टली इसको पढ़ते जाइए, सॉफ्टली पढ़ते जाएंगे तो आपके अंदर जिस चीज़ को सुनना चाहिए वो चीज़ सुन लेगी, क्योंकि वही एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सोल्व कराती है, आप नहीं सोल्व करते, कोई है अंदर, ठीक है, जो उस एग्ज़ाम को सोल्व करता है, तो उसका सुनना बहुत ज़रूरी है, वो सुने, उसके लिए तुम्हारा शांत होना बहुत ज़रूरी है, तो तुम शांति से बिल्कुल इसको रिलैक्स में लेक्चर को देखा करो। ठीक है, चलिए, थैंक्स।